तो गाइस हम हैं रॉयल पैलेस में, जहाँ आज के टाइम पर जो है करंट जो किंग है, प्रिंसेस हैं, जो भी हैं वो करंटली रह रहे हैं महाराजा पैलेस में। यहाँ सैंडविच खाएंगे, चाय पिएंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा सा रॉयल होने वाला है, क्योंकि हम आए हैं द रॉयल पैलेस में। जी हाँ, सचमुच का द किंग पैलेस, द रॉयल पैलेस, जहाँ आज के टाइम पर द किंग, द रॉयल्स रह रहे हैं। यहाँ पर जो है एंट्री फीस ली गई है 3,000 रुपया पर पर्सन। व्हाट अ व्यू! अब आप इस पूरी वीडियो पर व्यू लीजिए और फीलिंग लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, हर रोज़ तो हम जो है किंग्स के जो है पैलेसेस में, द रॉयल पैलेसेस में नहीं जाते हैं, तो आज वो मौका आया है आपके पास, मेरे पास, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बड़ी फीलिंग लेकर देखना बॉस ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस जगह पर प्रेजेंटली कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, इस जगह पर जहाँ हम चल रहे हैं। और ये जो है आप जो है पीकॉक के जो है नज़ारे ले सकते हैं, द गार्डन, गार्डन में जो है क्लियरली दिख रहे हैं, और एक बहुत शानदार व्यू। यहाँ पर एक वाटर का भी जो है इंतज़ाम है, बट वो फिलहाल के तौर पर बंद किया हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरा जयपुर जो है दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, और ऊपर से क्लाउड वेदर जो है उसे और 4 चांद लगा रहा है। ये ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो मेरे कैमरे में जो है ये फोकस आउट क्यों हुआ हुआ है, बट बॉस ये दिखाना ज़रूरी है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। तो अगर थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस में ही है तो भी जो है देखें। देखो भाई, रॉयल फीलिंग आ रही है यहाँ पर, बिलीव मी। जब जब यहाँ पर जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं रॉयल फीलिंग आ रही है। ये आप देख सकते हैं बाहर से भी, मुझे एक अजीब सी चीज़ लगी यहाँ पर, आप झंडे देख सकते हैं दो, ये अभी भी उनके टाइम के या उनके जो रिप्रेजेंट करते हैं फ्लैग्स वो यहाँ पर हैं। और आई वॉज सरप्राइज, मुझे लगा कि आज की तारीख में ये फ्लैग्स हट जाने चाहिए और इंडिया के लग जाने चाहिए, बट चलो इंडियन गवर्नमेंट और इनका जो है जो कुछ भी है, यहाँ पर फ्लैग्स जो हैं फिलहाल इंडिया के नहीं लगे हैं, बट इनके खुद के लगे हुए हैं। ये है शीश महल। यस, इसमें जो है अभी आपको जो है एक शो कर भी दिखाएंगे। शीश महल की जो है खासियत ये है कि जब यहाँ पर अंधेरा हो जाता था या हो जाता है, तो यहाँ पर स्टिल लाइटिंग होती थी विद द हेल्प ऑफ द कैंडल्स एंड ऑल दैट। यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम, मतलब उस जमाने में हमें जो है ये लाइट्स या ये कॉन्सेप्ट तो नहीं था। व्यू देखो बॉस, तब जो है ये रिफ्लेक्टर का काम करते थे एंड ऑल दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज द आर्ट, आर्ट यहाँ पर देखो, और स्टिल जो है विद द हेल्प ऑफ कैंडल्स आप जहाँ पर जो है पूरा जो है लाइटनिंग हो जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे लिए कर भी दिखा रहे हैं सर। और इमेजिन कीजिए उस वक्त ज्यादा सारी मोमबत्तियां, ज्यादा सारी लाइटिंग, और पूरा ही किस तरह जो है एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू होता होगा। ये व्यू जो है एकदम कमाल का है। और ऑफ कोर्स हम ये रॉयल पैलेस के अंदर हैं, तो सब कुछ चीजें कमाल तो है ही है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक करना मत भूलना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जयपुर की सीरीज चल रही है, उस जयपुर की सीरीज को प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यार वैसे एक चीज माननी पड़ेगी, उस टाइम के राजा महाराजा को व्यू हमेशा जो है मस्त जो है मिलते थे। खैर, ये हम नेक्स्ट रूम की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह जो है नीचे आकर जो है जाया जा सकता है। पूरा टूर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि एकदम एक रॉयल फीलिंग दिखाता है। यहां पर कोई सर जो है काम कर रहे थे,
बट यहाँ पर जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो ज़्यादा कष्ट नहीं दिया जाए, ज़्यादा बेटर है। ये है वो जगह, यस द रॉयल जगह आप कह सकते हैं, यहाँ पर बैठेंगे, यस। बाय द वे आर्ट देखो बॉस, सब जगह जो है आर्ट बहुत कमाल की है, और ये वो दीवान है, यस। सबसे बेस्ट फीलिंग ये है कि यहां पर हमें बैठने दिया जा रहा है, एंड यहां पर क्योंकि अभी रश नहीं है, या रादर यहां पर लोग ज्यादा आते भी नहीं है, तो यहां पर कोई कंपल्शन नहीं है कि जल्दी जल्दी से निकलो, पूरी फीलिंग लिया जाएगा बॉस, यहां पर पूरी फीलिंग लेकर काम होगा। वाओ, देखने में ये जितना सुंदर लग रहा है ना, कमाल है। आई होप आपको जो है कैमरे से, आपको जो है वीडियो में भी वो जो है जस्टिफाई कर पा रहा हो। आई एम एक्साइटेड यहां बैठने के लिए, यस। और बैठने के बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा। द रॉयल जगह पर बैठे हैं बॉस हरजस, वाह। यहाँ बैठने के बाद तो बिल्कुल किंग वाली फील आई बॉस, कि लाओ पेश किया जाए। वेरी नाइस बॉस, 3,000 रुपया पर पर्सन जो है वसूल है, एक फीलिंग से ही वसूल है, मैं कह रहा हूँ, बिलीव मी। अब आई डोंट नो ये मैं सही हूँ या गलत, बट जो फीलिंग दिलाई है ना इस पैलेस ने, उस फीलिंग से जो है टिकट इज जस्टिफाइड बैन। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर जाइए वो फीलिंग लेने के लिए। बाकी जो है व्यू आप देखते रहिए। एक चीज और जो है, आगे एक सरप्राइज भी है। एंड स्पेशल थैंक्स सभी गार्ड्स का बॉस, जो इन्होंने हेल्प की पिक्चर्स के लिए, और मैंने वो पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर जो अपलोडेड की है, नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो ईशान मित ISHAANMWET सर्च जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी जो है एक शॉप काइंड ऑफ चीज है यहाँ पर, यहाँ पर ज्यादा जो है अंदर कैमरा ले जाना ज्यादा अलाउड नहीं है, बट एक थोड़ा सा आपको स्नीक पीक जो है मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। और व्यू आपको जो है हर जगह से यहाँ पर कमाल दिख रहा है, ऑफकोर्स द रॉयल पैलेस है बॉस। इसे बाय द वे सिटी पैलेस कहा जाता है जयपुर का, और द सिटी पैलेस में द रॉयल चीजें चल रही हैं, और ये भी फ्लैग जो है इनका पर्सनल है, ये इंडिया का फ्लैग नहीं है। वेल, शॉपिंग तो ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हर चीज जो है काफी एक्सपेंसिव थी यहां पर। लिफ्ट आप देख पा रहे हैं, मीनवाइल ये उस समय की लिफ्ट नहीं है, ये अभी रिसेंटली बनाई गई है। आई विश जो है इसे और प्रॉपर जो है समय की चीजें दिखाई जाती। मीनवाइल एक सरप्राइज जो मैं बात कर रहा था वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, और ये जो बाहर का व्यू है ये एक कॉमन प्लेस है, यहाँ पर सभी पब्लिक को अलाउड है, ये एक्सक्लूसिव प्लेस नहीं है। पीछे जो हमने 3 रूम्स देखे हैं वो एक्सक्लूसिव थे केवल और केवल, ये कॉमन प्लेस है। अब हमें जो है यहां पर पानी दिया गया है, हमारी टी एंड जूसेस आ गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है ये भी, साथ में कुकीज भी कॉम्प्लीमेंट्री है, वाओ। बट एक कप से अपना क्या होगा बॉस, दूसरा कप भी मंगवाया जाएगा, स्टे ट्यून्ड। बाय द वे यहां पर बैठकर जो फीलिंग आई ना बॉस, मुझे लगा भाई ये यहां पर सिर्फ चाय पीकर और बिस्किट खाकर बात नहीं बनेगी।
चाय जो है इनकी अच्छी थी, काफी अच्छी थी, एंड आई लाइक्ड इट। और उसका सबूत यह है कि मैंने दूसरा कप भी इसके बाद जो है ऑर्डर कर दिया है। पूरी रॉयल फीलिंग आई बॉस, आई विश जो है ये द रियल रॉयल अंदर भी जो है टेबल वगैरह पर बिठा देते, बट कोई बात नहीं। ये आप जो है इनका मेन्यू देख सकते हैं, द सिटी पैलेस जयपुर, ये इनका मेन्यू है और फैमिली ने भी काफी इंजॉय किया यहां पर। जैसे कि मैंने आपको बोला था बॉस, फीलिंग पूरी रॉयल थी, तो मैंने कहा कुछ खाकर भी जाएंगे, तो आई ऑर्डर्ड अ सैंडविच। सैंडविच अच्छा है बॉस, सैंडविच वाकई अच्छा लगा, हालांकि 500 रुपए का था, बट इट डजंट मैटर। चीयर्स। मीनवाइल मैंने दूसरा कप भी ऑर्डर किया, वो पेड था, बट चलो अच्छा। मीनवाइल जाते जाते आपको जो है द रॉयल जो है टॉयलेट्स भी दिखा लेते हैं, हालांकि मैं दिखाना नहीं चाहता था, टेक्निकली ये रॉयल नहीं है, बट ऑब्वियसली हम टूर करने आए हैं तो ये एक्सक्लूसिव चीज है, यहां पर आप पब्लिक जो है नहीं देख पाते। और ये जो है बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, ये बाहर का पब्लिक एरिया है और ऑब्वियसली ब्यूटी और वो सारा व्यू आप देख सकते हैं। सो दिस सम्स अप आवर जर्नी, आर टूर, आर विजिट टू द रॉयल पैलेस, द सिटी पैलेस जिसे कहा जाता है, जहां करंट रॉयल फैमिली रहती है। सो 3,000 रुपए पर पर्सन, वेल हमें जो है बच्चे के लिए फ्री था तो हमने 6,000 पे किया। देखने में कह सकते हैं हमें केवल और केवल 3 जो है जगह ही दिखाई वहां पर, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जो है चाय दी एंड ऑल दैट, जूस भी साथ में था, तो चाय या जूस आपकी ऑप्शन थी, बट यार वो फीलिंग के लिए इट वॉज वर्थ इट। मीनवेल आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। जयपुर की सीरीज चल रही है उसे जरूर देखिए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।